हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं कोड एंड बायोलॉजी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटीबॉडी के बारे में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आईसीएमआर में आते हैं या आने वाले हैं उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक टिपिकल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक टिपिकल एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में दो तरह के चेन होते हैं। एक होते हैं वेरिएबल चेन, ये वेरिएबल रीजन है, और दूसरा होता है कॉन्स्टेंट। इसके अलावे एक होता है हैवी चेन, जो यहाँ से यहाँ तक है लंबा, ये हैवी चेन है, और ये है लाइट चेन। इसके आधार पर ये हो गया वेरिएबल लाइट चेन और ये हो गया कांस्टेंट लाइट चेन। ये हो गया वेरिएबल हैवी चेन और ये हो गया कांस्टेंट हैवी चेन। तो कांस्टेंट हैवी चेन के तीन पार्ट्स हैं। ये हो गया पहला कांस्टेंट हैवी चेन, ये दूसरा कांस्टेंट हैवी चेन और ये तीसरा कांस्टेंट हैवी चेन। यहाँ पे सी टर्मिनल होता है और यहाँ एन टर्मिनल होता है। इसके अलावे ये सी डी आर रीजन है, थ्री सी डी आर रीजन होते हैं और इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये है कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये तीन होते हैं और बाकी जो ये बच जाता है इसको हम लोग कहते हैं फ्रेमवर्क रीजन। तो सी डी आर वन होता है, सी डी आर टू होता है एंड सी डी आर थ्री होता है। सी डी आर थ्री सबसे ज़्यादा वेरिएबल पार्ट्स है और इसी के कारण इसके आइसोटोप्स बनते हैं। सी डी आर थ्री सबसे ज़्यादा वेरिएबल रीजन है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हिंज रीजन, और ये आपस में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसके अलावे इस स्ट्रक्चर में जो ये ऊपर का रीजन होता है इसको हम लोग कहते हैं फैब, एफ ए बी, और ये होता है एफ सी रीजन। ये हो गया एक टिपिकल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब इस टिपिकल एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बाद डिडक्शन ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, कैसे पता चला कि किस किस तरह के रीजन्स हैं उसमें, कौन हैवी चेन्स है, किसको एफ ए बी क्यों कहते हैं, एफ सी क्या है। इसके लिए निसन हॉफ ने पेप्सिन से डाइजेस्ट किया एक टिपिकल एंटीबॉडी स्ट्रक्चर जिसका कि मॉलिकुलर वेट 150 किलो डाल्टन होता है। इसको डाइजेस्ट किया तो पेप्सिन से डाइजेशन के बाद उसे 100 किलो डाल्टन का एक स्ट्रक्चर मिला जिसको उन्होंने कहा एफ ए बी स्ट्रक्चर। और जो एफ सी रीजन था वो कई भागों में टूट गया पेप्सिन के कारण और उसका कोई बड़ा सा फ्रेगमेंट नहीं मिला, इसीलिए उसे एक ही 100 किलो डाल्टन का एक फ्रेगमेंट मिला जिसको उन्होंने कहा एफ ए बी रीजन। दूसरा, जो पेपेन से डाइजेशन किया गया ये पोर्टर एंड डेलमैन के द्वारा किया गया, तो उनको मिला एक 45 किलो डाल्टन का, एक और 45 किलो डाल्टन का और एक 50 किलो डाल्टन का। इसको ये हो गया एफ ए बी रीजन, फैब रीजन, और ये हो गया एफ सी रीजन। ये तो हो गया डिडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अब हम लोग बात करते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन हैवी चेन एसोटाइप। हैवी चेन एसोटाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि हैवी चेन के कारण ही जो वेरिएबल रीजन के कारण इसमें चेंजेज आते हैं उसको हम लोग इसीलिए कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन एसोटाइप्स। तो हैवी चेन एसोटाइप्स में जरा इसको देखें तो सी डी आर थ्री जो है, सी डी आर वन, सी डी आर टू, सी डी आर थ्री, तो सी डी आर थ्री सबसे ज़्यादा वेरिएबल रीजन होता है और इसी के कारण ये चेंजेज आते हैं। ये सी डी आर रीजन जो होता है इसमें चेंज के कारण इसमें चेंजेज आते हैं और ये एसोटाइप्स पाँच तरह के होते हैं। पहला है आई जी जी, आई जी एम, आई जी ए, आई जी डी और आई जी ई। ये पांच तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन एसोटाइप्स हैं। अब बात करते हैं कि आई जी डोमेन। आई जी डोमेन का कहने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं एक टिपिकल एंटीबॉडी हम लोगों ने इस तरह से बनाया था, लेकिन इसमें डोमेन होते हैं, ये एक्चुअली इस तरह से सीधा या स्ट्रेट नहीं होता है। तो इस तरह से इसमें दो डोमेन होते हैं, यहाँ पे ये दो डोमेन होते हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन है,
मतलब कि ये बी सेल में अटैच होता है जो आईजी, जैसे कि आईजी एम बी सेल में अटैच होता है, तो ये जो सी टर्मिनल का पोर्शन होता है ये इम्बेडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, पीएम में ये अटैच होता है बी सेल के, यही ये दिखाया गया है टीएम सेल। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें ये अटैच है, यहाँ ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पे दिखाया गया है। और ये हो गया वेरिएबल लाइट चेन, ये डोमेन है वेरिएबल हैवी चेन का, ये कांस्टेंट हैवी चेन है, ये कांस्टेंट लाइट चेन है, ये दूसरा कांस्टेंट हैवी चेन का डोमेन है, ये तीसरा कांस्टेंट हैवी चेन का डोमेन है। अब यहीं पर जो है आपका कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है वो लगे रहते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल यहीं पर अटैच होते हैं एंटीबॉडी में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो आई जी जी डी ई और ए है और एम है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये डिफरेंट कैसे हैं। तो आई जी जी में ये डिफरेंट होते हैं, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है उसके पोजीशन पे और उसके नंबर पे, इसमें जैसे दो है, ये हिंज रीजन यहाँ पर है, तो आई जी जी का स्ट्रक्चर होता है। आई जी डी में ये सिंगल होते हैं, आई जी ई में यहाँ पे होता है एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर होता है। और आई जी ए और आई जी एम ये अकेले नहीं होते हैं, आई जी ए डायमर बना सकता है, एक आई जी ए यहाँ पर है, एक आई जी ए यहाँ पर है, और दोनों मिलते हैं, इसको कहते हैं जे चेन। तो जे चेन ये बनाता है, ये हिंज रीजन है, तो आई जी ए डायमर के फॉर्म में होता है और आई जी एम पेंटामर के फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं कि कौन सा एंटीबॉडी पेंटामर फॉर्म में होता है, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ बनाता है और ये जे चेन है, ये जोड़ता है एंटीबॉडी को, एक एंटीबॉडी को दूसरे एंटीबॉडी से, ये इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये पेंटामर बनाता है और इसमें भी जे चेन होते हैं। तो दो ऐसे एंटीबॉडी हैं जो जे चेन का निर्माण करता है, एक है आई जी ए और दूसरा है आई जी एम, एक डाइमर होता है और दूसरा पेंटामर होता है। अब आगे देखते हैं कि आई जी इसके जो आइसोटाइप्स हैं आई जी के, उसके डिफरेंट कैरेक्टर क्या क्या हैं। तो आई जी जी क्लास जो है उसको हम लोग गामा कहते हैं और इसमें थ्री डोमेन्स होते हैं, सी एच डोमेन्स, इसके सब क्लासेस ज़्यादा होते हैं ह्यूमन में, इसके चार सब क्लासेस होते हैं, गामा वन, गामा टू, गामा थ्री और गामा फोर, और ये जे चेन नहीं बनाता। दूसरा है आई जी एम, इसको म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, इसमें चार डोमेन होते हैं आई जी के, इसमें सब क्लास नहीं होता लेकिन इसमें जे चेन का निर्माण होता है क्योंकि ये पेंटामर है। आई जी ए अल्फा कहते हैं, इसमें तीन सी एच आई जी डोमेन होते हैं, इसके दो सब क्लासेस हैं अल्फा वन, अल्फा टू, और इसमें जे चेन का निर्माण होता है क्योंकि ये डाइमर बनाता है। जे चेन का निर्माण सिर्फ इन्हीं दोनों में होता है, बाकी किसी में नहीं होता। आई जी ई को हम लोग इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं और आई जी डी को डेल्टा से। चलिए अब आई जी के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहला बात कि ये सीरम में 80% होते हैं टोटल आई जी के, जितने भी तरह के आई जी होते हैं उसका 80% जो सीरम में होता है आई जी वो होता है आई जी जी। दूसरा बात कि आई जी जी का एक हाफ लाइफ पीरियड जो होता है, एवरेज हाफ लाइफ पीरियड वो 23 डेज का होता है, एक्सेप्ट आई जी थ्री, ये जो आई जी थ्री है इसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 7 डे का होता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि नॉर्मली आई जी जी का 23 डेज होते हैं हाफ लाइफ, लेकिन आई जी थ्री का 7 डे हाफ लाइफ होता है। और ये सीरम में पाए जाने वाले टोटल इम्यूनोग्लोबिन का 80% आई जी जी होता है। तो सीरम में अबंडेंट आई जी कौन सा है, आई जी जी। अब हम लोग अलग अलग आई जी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आई जी एम के बारे में। आई जी एम के बारे में जो खास बात है, ये टोटल सीरम का 5 to 10% होता है टोटल सीरम का, यानी कि जितने आईजी होते हैं सीरम में उसके 5 से 10% ये होता है, और ये मैच्योर बी सेल के सरफेस पे पाया जाता है, ये मैच्योर बी सेल के सरफेस पर होता है। आईजी डी और आईजी एम, ये अगर मैच्योर बी सेल है तो इसमें आईजी एम पाया जाएगा और आईजी डी भी पाया जाएगा। एक आईजी का हाफ लाइफ जो है आईजी एम का वो 5 डे होता है, ये ध्यान में रखना है। ये पेंटामेरिक होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं।
अब आते हैं IgA के बारे में। तो अगर IgA की बात किया जाए, टोटल सीरम IgA, टोटल सीरम IgA ये 10 to 15% होते हैं सीरम में, और उसके अलावे भी इसमें IgA1 होता है और IgA2 होता है। तो IgA का जो काउंटिंग होता है वो 93% होता है और IgA2 का काउंटिंग सिर्फ 7% होता है सीरम में। IgA के टोटल IgA IgA1 का 93% और IgA2 का 7% होता है। ये J चेन का निर्माण करता है। इसका हाफ लाइफ जो होता है वो 5.5 डेज होते हैं, इसका हाफ लाइफ। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये मिल्क में पाया जाता है, ये सलाइवा में पाए जाते हैं, ये म्यूकस में पाए जाते हैं, मतलब कि एक्सोक्राइन सिक्रीशन में ये पाए जाते हैं। ये क्वेश्चंस आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा और ये पूछा भी जाता है ज़्यादातर केस में। और इसका जो जे चेन पॉलीपेप्टाइड होता है, जो जे चेन बनाता है, इस तरह से हम लोगों ने देखा था, वो 15 किलो डाल्टन का होता है। जे चेन की लेंथ कितनी होती है? 15 किलो डाल्टन का, ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग, एक और बात इसमें हम लोग जान लेते हैं कि कोलोस्ट्रम, मिल्क का जो होता है कोलोस्ट्रम, उसमें ये पाया जाता है। अभी तो हम लोगों ने कहा कि एक्सोक्राइन सिक्रेशन जैसे मिल्क में पाया जाता है, इसमें IgA होता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि जैसे ये दो IgA आपस में मिलते हैं, IgA चूँकि ये डाइमर बनाता है इस तरह से, और यहाँ पे हिंज रीजन, ये जे चेन बनाता है, यहाँ पे हिंज रीजन होता है, ये जे चेन बनाता है, तो यहाँ पर एक सिक्रेटरी कंपोनेंट ये डिज़ाइन करता है, ये बनाता है सिक्रेटरी कंपोनेंट, ये IgA में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक रिसेप्टर है जो कि सिक्रेटरी कंपोनेंट कहलाता है। अब आते हैं हम लोग IgE के बारे में। तो IgE की खास बात क्या है? ये हाइपर सेंसिटिव यूटी रिएक्शन को शो करता है, जैसे कि हे फीवर, अस्थमा और एनाफाइलेक्टिक शॉक, इन सब के केस में IgE सबसे पहले वहां पर आता है। और ये बाइंड करता है, इसका जो एफसी रीजन होता है ये बाइंड करता है मास्ट सेल से या बेसोफिल सेल से, और इसमें बाइंड करने के बाद ये उसको ए ग्रेन्यूल यानी कि डी ग्रेनुलेशन के लिए इंड्यूस करता है। और ये डी ग्रेनुलेशन क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है उसके लिए एंटी पैरासाइटिक डिफेंस के लिए, ये नेसेसरी होता है एंटी पैरासाइटिक डिफेंस के लिए। मतलब इसका एफ ए वी रीजन जो होता है वो एंटीजन से बाइंड करता है, और इसका एफ सी रीजन जो होता है वो मास्ट सेल या बेसोफिल से बाइंड करता है, जो डी ग्रेनुलेशन को इंड्यूस करता है, और वो एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी के लिए नेसेसरी है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं IgD का, सबसे लास्ट है, 4 IgA हम लोग बात कर चुके हैं। ये जो है सीरम में सिर्फ 0.2% होते हैं टोटल IgA के, यानी कि 0.2% ऑफ टोटल IgA इन सीरम। सीरम में जितने IgA होते हैं उसका सिर्फ 0.2% ही IgD होता है, और ये IgA एक्सप्रेस्ड मैच्योर बी सेल के द्वारा होता है। हम लोग कहा था कि IgD और IgM, तभी बात किया था वहाँ पे, IgD और IgM जो है वो मैच्योर बी सेल के सरफेस पर पाया जाता है। अब हम आपको एक टेबल देते हैं जिसमें सारे इम्यूनोग्लोबुलिन का एक जगह पर सारा कलेक्शन है, आप उसको देखिए समझिए। तो ये है इसका मॉलिकुलर वेट लिखा हुआ है सबका। हमने आपको दिखाया था कि इसका आइसोटाइप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, कि इसका नंबर ऑफ चेन जो है कितना होता है, डोमेन कितने होते हैं, या तो फिर उसके सल्फाइड बॉन्ड कितने होते हैं। उस आधार पर मॉलिक्यूलर वेट IgG का 150 होता है, IgA का 150 होगा,
या 400 होगा अगर वो डाइमर बनाएगा तो। इसके बाद IgM पेंटामर में होता है तो 900 होता है, इसका 180 होता है और IgA का 190 होता है। इसमें एक होते हैं और इसमें 1 to 2 होता है, इसमें 5 होते हैं, मतलब ये सिंगल भी रह सकता है डाइमर भी बना सकता है, ये हमेशा पेंटामर के फॉर्म में होते हैं। और ये सिंगल होते हैं, ये भी सिंगल होते हैं। अब परसेंटेज ऑफ आईजी इन ब्लड हमने टोटल सीरम में आपको बताया था, ये 80% होता है, ये 10 to 15% होता है, ये आपका 5 to 10% होता है। IgD जो होता है वो less than 1% होता है और IgE भी less than 1% होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्लासेंटा कौन क्रॉस कर सकता है। हम लोग जानते हैं IgG जो है वो प्लासेंटा क्रॉस करता है और सिक्रीशन में इंटर कौन कर सकता है, IgG, IgA, ये दोनों IgG और IgA। अब एग्लूटिनेट्स पार्टिकल्स किसमें होते हैं, जैसे कि IgG में होता है, IgA में होता है, IgM में होता है और इसमें IgD और IgE में नहीं होता। अब एलर्जिक रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि IgE सबसे फास्ट काम करता है और IgG भी आता है, लेकिन अगर ऑप्शन रहे तो सबसे पहले हम लोग IgE को टिक करेंगे। अब है कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट्स, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट IgG करता है और IgM करता है। हाफ लाइफ हमने देखा है कि इसका 23 डेज होते हैं, इसका 5.5 डेज होता है, IgM का 5 डेज होता है, IgD का 2.8 डेज होते हैं और IgA का 2 डेज के अप्रॉक्सीमेट होता है। एडिशनल प्रोटीन सब यूनिट, एडिशनल प्रोटीन सब यूनिट कौन रखता है, एक तो जे रीजन होता है, IgA में होता है और IgM में होता है क्योंकि ये डाइमर बनाता है, पेंटामर बनाता है। एक और हमने बात किया था सिक्रेटरी कंपोनेंट का जो कि IgA बनाता है, तो ये एक्स्ट्रा पेप्टाइड है, प्रोटीन सब यूनिट है। अब आते हैं माइक्रोफाज या न्यूट्रोफिल से कौन बाइंड करता है, IgG बाइंड करता है और मास्ट सेल से कौन बाइंड करता है, IgE। हमने बात किया था कि ये मास्ट साइट से बाइंड करता है और उसको मास्ट सेल से और बेसोफिल से भी बाइंड करता है, ये दोनों से बाइंड करता है और उसको रीग्रेन्यूलेट करने की कोशिश करता है जो कि एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी के लिए नेसेसरी डिफेंस के लिए। अब है परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसमें 3% होता है, इसमें 7% होता है, 7 to 10% होता है और IgD में 12% होता है और IgE में 11% होता है। इस टेबल को ध्यान में रखें और हमने जो बताया है उसको कॉपी में नोट कर लिया करें जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए ये तो हो गया एक ओवरव्यू। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ये हमने आपको सारे IG दिखा दिए, IgG है, IgD है, IgE है, IgM है और IgA है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन, कौन सा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है IgG, यही सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है जो कि कितना परसेंट होता है, जो कि 80% होता है टोटल IG के सीरम में, ये होता है ना 80% सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला है। दूसरा है IG कंसिस्ट ऑफ टू लाइट चेन एंड टू हैवी चेन ज्वाइंड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड, दूसरा है टू लाइट चेन एंड टू हैवी चेन ज्वाइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा है टू लाइट चेन एंड टू हैवी चेन ज्वाइंड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड, दूसरा है ए लाइट चेन एंड टू हैवी चेन ज्वाइंड विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसमें से कौन सा सही है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं टू लाइट चेन होता है और टू हैवी चेन होता है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग IgG टारगेटेड अगेंस्ट द पॉलीसेक्राइड्स ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, इसमें से कौन सा IgA, IgG1, IgG2, IgG3 और IgG4 में से कौन सा इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के अगेंस्ट में यूज होता है। तो IgG2 जो होता है यही इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है विच इज द IG दैट कैन क्रॉस प्लासेंटा एंड प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न,
हमने अभी अभी पढ़ा है कि प्लासेंटा को कौन पास करता है, आईजीजी। हमने एंटीबॉडी के बारे में बात किया, कुछ जानकारियां हमने आपको दिया है, कुछ अपने रिसोर्सेस से आप और इकट्ठा करें, उसको कंपाइल करें, रिवाइज करें। हम 1 घंटे में फिर लेकर आएंगे एक लाइव स्ट्रीमिंग क्विज एंटीबॉडी के बारे में, जिसमें 10 to 15 क्वेश्चन होंगे और देखते हैं हम लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। आप लाइव चैटिंग के द्वारा उसमें आंसर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बी हेल्दी, बी हैप्पी, शेयर द वीडियो एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। और अभी लास्ट बैच के लिए, ICMR का लास्ट बैच के लिए, इसमें 25% ऑफ है सभी पैकेज के लिए, 25% ऑफ है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें मेल करें bioterratest@gmail.com पे, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9471455844 पे, या पर्सनली मुझे आप मेल कर सकते हैं p.gauravkr@gmail.com पे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड शेयर द वीडियो एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।